वरुण सर आपको याद होगा ये जिस ने अवार्ड में आपने रणवीर सर से रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इनशल्ला ट्रिपल आर ये वो तो आगे याद रखना कि आगे हम सब के साथ काम नहीं करेगी ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है तो ये मजाक था या आपको लगता है थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा आप आपको क्या लगा सर आपको लग रहा है कि आप सी पे हो अभी इस तरीके से नहीं आप सर तहकीक कर रहे हैं हमारे साथ कुछ तो लग रहा होगा सर आपको कुछ तो लग रहा होगा नहीं, मैंने कहा था कि इन शह माशाला सुबहान अल्लाह जो ट्रिलिजी है मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था नो no, बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा

आपसे आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था आ, ये इटर्नल लव स्टोरी है प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं तो आ, एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह के सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए अभिषेक से से पूछ पूछ रहे हो कि किस नहीं पुछ नहीं पुछ मैं 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 चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूं। तो भी सेट था। और, आपको कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मा बिकॉज इज अरेक्टर उसकी सेकेंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही

ट्विस्ट एंड टर्न्स है और यू नो इट्स फॉलोइंग वन जर्नी ऑफ लव बट आई थिंक कि जिंदगी भी वैसी है सीधी तो नहीं कटती इट्स ऑलवेज उल्टा फुलटा यू नो आड़ा टेड़ा बट एट द कोर ऑफ दिसम द फिल्म इज अबाउट ऑल दिज रिलेशनशिप्स डायनेमिक्यूमन रिलेशनशिप्स और ऑफकोर्स लव तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पर ह्यूमन डायनेमिक और रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स को लेकर उस पर ज़्यादा फोकसड है आलिया दिस साइड यू टॉकिंग अबाउट दव बींग डायनमिक एंड देर इज़ अ डायलॉग जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है uh, निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा

और वो तो सबके साथ होता है बट आई डोंट थिंक आई हैव रूइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट वी डोंट नो या आई एम टेलिंग यू आई कांट से ना मुझे क्या पता कोई बेचारा लड़का किसी को ठेस पहुंची होगी कोई दूसरे मेरी गोली है बंदूक की गोली कीप क्वाइट वरुण नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा इलाज नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात करना रहे हैं साइड वरुण इधर इधर हां अभी मैम टाइम बाद मिलियो। थोड़ा सा इलेबोरेट करो क्या किसके बारे में अबाउट नाजायज रिश्ता एज इन अफेयर्स अफेयर्स चीटिंग मजा आ रहा है आपको नहीं मैम माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें रिश्ता किसके साथ <laughs> आलिया रील, uh, रील रील पे रील पे रील पे रियल में नहीं नहीं तो मार खा जाओगे बाहर नहीं मार वार की बात नहीं है

Yeah, yeah uh, why don't I believe it's out. Aap ke 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 thoda, toh, yeah. man, yeah. You can you stand? jump? You, you Haan, jump. No, now yeah. I can see you. I can yeah, see. Yeah, I think it's already out in the public domain. How back when Kalank was conceptualized, I think Shahrukh was supposed to do the role. Um, did you were you aware when you were signing the film? And uh, did you ever speak to Shahrukh, perhaps how he wanted to approach the role and how you wanted to approach it? Komal has loved this question. <laughs> <laughs> I can hear him laughing till you. Yes. um, Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shahrukh sir uh, and the other sarkars that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Uh, Mr. Yash Johar was producing it. और ये बहुत वक्त बीत गया इस बात को. और उसके बाद Karan ने ये ये फिल्म बनाने का जो थाना था, उन्होंने छोड़ दिया था ये आइडिया, क्योंकि his father passed away and then he didn't want to revisit the story at that time. But उनके दिल के बहुत करीब थी. जब उन्होंने अभिषेक वर्मन को ये स्टोरी सुनाया था पहली बार आ, मैं और अभिषेक एक्चुअली रूममेट्स होते थे माय so you know, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि अभिषेक कभी ये डायरेक्ट करेंगे मैं कभी एक्ट करूंगा इसमें पर आई एक्चुअली मेट शाहरुख सपिल ऑफ आई थिंक वीक बैक एंड उन्होंने ट्रेलर देखा था उस वक्त ना, टीज़र देखा था उस वक्त आज टाइम कि आपको टीजर के बारे में क्या लगा एंड ही हैड सम गुड थिंग्स टू से अबाउट दैट और वो काफ़ी खुश थे आई सेड कि मैंने वो uh, सूरमा वुरमा भी लगाया सर क्या लग रहा है आपको सो ही स्माइल एट मी आई थिंक ही सिंग गुड योर वर्किंग हार्ड एंड डूइंग दीज रोल्स दीज आर रोल्स विल गेट यू क्लोजर टू द ऑडियंस तो उतना ही बोला था तो वरुण Var Hi, uh, Russell here from Moviefied. Uh, so, recently there's a report that come uh, where you said that uh, Zafar... Uh, they all are starting the question. I really like, the police gave some report. Okay, an article, an, story, article, an article, a story. An article, a story. fictitious a, story. Huh? Yeah. Done, no, it okay, has, uh, okay. come the way you, you have said. Na? You have said that Zafar is the...

तो एक तरीके से क्योंकि ये पीरियड फिल्म है मैं हमेशा सोचता था, था कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा इस फिल्म के साथ यू नो हाउ विल आई आइडेंटिफाई बट जो हमारे डायरेक्टर है अभिषेक वो रोज एक्चुअली मैं दो घंटे उनके साथ बस जफर के बारे में बात अबाउट इस चाइल्डहुड मैं बस उनको प्रश्न पूछता रहता था कि यार ये बचपन में क्या हुआ होगा व्हाट मस्ट हैव हैपेंड कि यार ये इंसान ऐसे बनता जाता है और हर चीज़ मतलब कुछ भी हो जाए उसके जिंदगी में ही ऑलवेज कम आउट विद अ स्मोक एक थोड़ा सा एरोगेंस है इस कैरेक्टर में जो मैंने शायद अब तक नहीं दिखाया है एन एरोगेंट कैरेक्टर तो थोड़ा सा एक एरोगेंस है इस कैरेक्टर में बट उसे लगता है कि हक है उसे एरोगेंट रहने का और लोग रहते हैं ऐसे जिंदगी में लास्ट टू क्वेश्चंस हाय सोनाक्षी आदित्य सो नाउ शुड वी हियर टू योर हाय सोनाक्षी आदित्य दिस इज उर्वी हाय सोनाक्षी आदित्य हाय 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 आदित्य दिस इज उर्वी ह आदित्य देयर वाज देयर इज अ सीन इन द फिल्म वेयर Apparently, you actually got drunk so that you could enact that scene better. It's in my contract now. <laughs> method <laughs> acting. Method acting. You have acting. to always get drunk. Yeah, I mean, I, I've, I've played a few now. It's been a few. Yeah. So you were saying? So if you could tell us something about that scene and how was it? Well, I, that was. A, it's in. The I haven't seen the trailer, so uh, <laughs> that was a scene that we did, did together. Yeah, because he was really, late. That, no? that we screamed. No? Yeah. scream. Yeah. So I. Uh, d you want to know if I got drunk or I didn't get drunk? How did you manage? How did to I act prepare for despite it? Despite being drunk, let me put. Despite that being drunk, she's saying you were drunk. <laughs> <laughs> uh, <laughs> you were supposed to act. Drunk. I was supposed to act drunk. So you were drunk. So I was drunk. So you acted drunk. Exactly. But you didn't act. You were drunk. Yeah. That's what you're saying. Very confusing. <laughs> <laughs> uh, hi Sunakshi. Um, okay. I, I also Sunakshi have a question here. for Madhuri, ma'am. Hi. Um, okay. Ma'am, Alia and Varun had. Uh,

और बहुत मजा आया सबके साथ काम करके बहुत होनहार एक्टर्स हैं आ, आलिया वरुण आदित्य सोनाक्षी खेमू एंड कोर्स संजय सर आ, नहीं। <laughs> नहीं। मुझे ये मैं माधुरी बट <laughs> आप लोग वर्किंग 22 मुझे पता नहीं कि आप लोग सर और मैम क्यों बोलते हो अभी दो कैरेक्टर्स जो हैं इसमें बहुत ही उलझे हुए हैं राइट एवरीबडीज दे सबकी एक अलग अलग कहानियाँ हैं बैक स्टोरीज हैं और जैसे वरुण ने कहा दैट इज वॉट डिटर्म हुआ उनके जो एक्सपीरियंसिस रहे हैं उसकी वजह से वो बने हैं और कैसे पूरे लाइफ हमारे सबके इंटरट्वाइंड uh, है एक साथ मिले तो okay, okay, hi, सुनक्षी, uh, जिस तरह से हमने अभी ट्रेलर देखा और आपका किरदार काफी अलग लग रहा है जैसे कि हमने पहले की फिल्मों में आपको चुलबुले अंदाज में देखा बट यहां पे हम आपको देख रहे हैं काफी सीरियस और बहुत कम डायलॉग तो कुछ आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे आई थिंक दिस ये मेरे करियर का एक बहुत ही स्पेशल किरदार रहा है uh, जिस तरह की औरत सत्य है शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग शी इज़ वेरी सेक्रीफाइसिंग वो हमेशा uh, अपने फैमिली को बांध के रखना चाहती है एंड हमेशा उनका भला अपने से पहले uh, देखती है सो आई थिंक इट्स यू नो इट्स इट टेक्स रियल स्ट्रेंथ टू पोट्रे अमेन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एज़ वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा

आ, बिताया हम लोगों ने उस सीन को शूट करते वक्त आलिया नहीं चाहती कि मैं कुछ ज्यादा बोलूँ ना हाँ <laughs> हम हाँ नहीं हम बोलेंगे पर अभी आई जस्ट हाँ थोड़ा, 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 अभी नहीं। थोड़ा बोलेंगे थोड़ा नहीं बोलेंगे और ये बोल दिया कि वो वह बहुत वेरी सिग्निफिकेंट बहुत ही डिफिकल्ट था और नॉट नो रिक्रिएशन नथिंग बेसिकली स्टोरीज में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है विच वी वांट यू ऑल टू एंजॉय अगर yeah. आपको अभी से पता चल जाएगी पता चल जाएगा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खोल दिया है स्टोरी इसमें बट बहुत सारी चीजें जिसके बारे में अभी भी आपको नहीं पता है